जो है डिजिटल ऑनलाइन नेटवर्क. सो इट्स नथिंग लाइक डॉन. अगर डॉन है इस मुल्क में तो एक भाव है. पाकिस्तान न्यूक्लियर से नहीं डरता है, भाव के बोल से डरता है. सो आई एम रियली प्राउड कि भाव ने एक कॉल पे एक मैसेज पे निमंत्रण कबूल किया और हमारे बीच है आज. थैंक यू भाव, थैंक यू आने के लिए. दूसरा जो हम यहाँ है, अक्सर फिल्में हिंदुस्तान में 1200 फिल्में बनती है जिसमें से 300-350 फिल्में रिलीज होती है, 800 फिल्में रिलीज नहीं हो पाती है ड्यू टू बजट. कई अच्छी फिल्में होती है जो लोगों तक नहीं पहुँचती है. जब हम दूरदर्शन पर या किसी चैनल पर देखते हैं और हमें रहता है अरे अच्छी फिल्म थी ये रिलीज क्यों नहीं हुई, तो उसके लिए क्योंकि एज एन डिस्ट्रीब्यूटर मैंने 200 से ज़्यादा फिल्में रिलीज की है और ज़्यादातर आई एम द ओनली डिस्ट्रीब्यूटर आई थिंक जिसने बड़ी फिल्में भी की, एतराज़ भी की, मैहूना भी की और छोटी फिल्में भी की, 20-25 लाख की फिल्में भी की. तो मुझे एहसास था कि यार छोटी फिल्मों को जब रिलीज करने के लिए गट्स लाते हैं तो हम पार्टी कर लेते हैं, सारी पब्लिसिटी करते हैं, लेकिन एंड में आके थिएटर के आगे आके दम तोड़ देते हैं कि यार थिएटर नहीं मिल रहा है. तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम डिजिटलाइज हो रहे हैं, पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो रही है. हमने पहले हम ट्रेलर थिएटर में देखते थे, फिर टीवी में देखना शुरू किया और आज हमारे मोबाइल में पूरी चीज़ें हैं. जितने भी लोग यहाँ मौजूद है सारे यूट्यूब पे फर्स्ट डे जैसे ही ट्रेलर लॉन्च होता है वो लोग देख लेते हैं. तो वैसे ही क्यों ना फिल्म रिलीज की जाए. तो मैंने एक इनोवेशन किया OMT जिसमें हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर वेब टॉकीज के समीर गोरे जी भी है यहाँ पे. उन्होंने आइडिया शेयर किया मुझे और मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें ऑडियंस तक आनी चाहिए. तो मैंने ये OMT लॉन्च किया. लॉन्च करते ही 10 दिन के अंदर मुझे कानपुर IIT से फ़ोन आया और उन्होंने कहा, क्योंकि कानपुर IIT इंडिया की नंबर 1 IIT है और नंबर 5 इन वर्ल्ड, उनके CEO मिस्टर निखिल ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हम इस इनोवेशन को इंडिया का इनोवेशन कहकर बुलाना चाहते हैं और हम आपका वेलकम करते हैं कानपुर में. और उन्होंने मुझे 10 दिन पहले ये इज्जत दी कि हम हिंदुस्तान के पहले ऑनलाइन मूवी थिएटर है. जोरदार तालियां प्लीज. ये दिस इज समथिंग वेरी बिग फॉर ऑल काइंड ऑफ सिनेमास. तो हमने सोचा कि अभी हमने 4 फिल्में रिलीज की जिसमें बंगाली फिल्म है जिस जो हीरो और हीरोइन उसको नेशनल अवार्ड मिला है जी. फिर हमने सलाम बॉम्बे की जिसमें दिया मिर्जा थी ऑनलाइन मूवी थिएटर पे और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं. जब मेरे पास में राहुल जी आए और उन्होंने कहा कि मुझे थिएटर रिलीज़ करनी है फिल्म, तो काफ़ी टाइम से मैं डिस्ट्रीब्यूशन से दूर हूँ, पिछले 1.5 साल से मैं डॉन सिनेमा के लिए लगा हूँ. तो मैंने कहा कि मैं एक शब्द पर रिलीज़ करूँगा अगर ये लोगों तक आप पहुंचाएंगे, ये बहुत बड़ा है. क्योंकि फिर एक बार इतनी मेहनत करने के बाद वो आदमी क्या क्या पूंजी लगाता है उसको पता रहता है, कितनी मेहनत वो एक्टर एक्ट्रेस करते हैं उनको पता है, वो प्रोडक्शन हाउस कितना करता है उनको पता है, और वहाँ इतना दूर का सफर तय करने के बाद अगर वो चीज लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो बहुत हर्ट होता है. सही है, मैं ये थोड़ा दुनिया से बहुत दूर है मैं कि अभी तो ये बिग बॉस क्या है, ये पहला मेरा शो था जिंदगी का बिग बॉस, तो थोड़ा थोड़ा पता चलता है कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है इसके लिए, क्या नहीं करना पड़ता है. आज आपको दिखता है अंदर कि 1 घंटे का आप लोग शो देखता है बिग बॉस, बस 24 घंटा वो अंदर क्या होता है वो हमको मालूम, कितना अपने फैमिली को मिस करते हैं, कितना खाने को मिस करते हैं, कितना क्या क्या चीज़ को मिस करते हैं, वो अंदर जो बैठे उनको मालूम. क्यों, मैं तो आम आदमी है मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मगर अंदर जितने भी है वो एक्ट्रेस लोग हैं जिन्होंने काम किया हुआ है, तो वो कितना झेलते हैं क्योंकि उनको बाहर आने के बाद काम मिले इसके लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, वरना असली लाइफ में कोई बाहर आके कुछ बोल के दिखाए साला, हाँ जरा भी नहीं. तो थोड़ा कड़वा बोलता हूँ मैं, मगर क्या है जो कड़वा बोलता है ना वो सच बोलता है ना, एक ही बार बुरा लगता है दिल में नहीं रखने का, इसके लिए थोड़ा सा बदनाम है मैं बाहर, इधर नहीं. इंडिया के लोगों ने बहुत प्यार दिया मेरे को, आज जुम्मा 6 महीना हो गया मेरे को बस. आज इंडिया में ऐसा कोई नहीं जो मेरे को नहीं जानता है, और इंडिया के बाहर भी मेरे फ्रेंड्स बहुत है जो मुझे बहुत प्यार करते हैं. और दूसरी बात, ये एसिड जो अटैक, ये जो पिक्चर बना रहे आप राहुल भाई, सच में बोलता हूँ, मेरे
आइए सर, प्लीज कम. मेरे लाखों लाखों लड़कियां फैंस हैं जो मुझे भाऊ बोलती है. एक टाइम ऐसा था कि भाऊ मेरे को मैसेज आते, भाऊ इसने ऐसा किया वैसा किया. मेरे सारे इवेंट में मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप कमजोर नहीं है, आप खुद को कमजोर मत समझिए. अगर आप चलते वक्त कोई आपको बुरी नजर से देखता है, गलत कमेंट मारता है, उधर खड़ा रहे, कान के नीचे बजा उसके, झांसी की रानी है तुम लोग, समझा, झांसी की रानी है. और आज मेरे को लाखों लाखों लड़कियां मैसेज करती है, भाऊ इसको मारा आज, गलत देख रहा था, उसको मारा गलत देख रहा था. मैं सीधा बोलता हूँ मारो, बाकी का मैं जेल लेगा. आप खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि एक लड़की ने खुद को कमजोर समझा ना तो ऐसे वो खड़े रहते हैं, एसिड फेंकने वाले है. वो आज देखे कितने रेप हो रहे हैं. ऐसा खुद को कमजोर मत समझो, आप लोग कमजोर नहीं है, आप झांसी की रानी है सब लोग, समझा. तो कमजोर नहीं समझने का क्या कमी है? आप आज बड़े बड़े लेवल पे लड़कियां बेटी आईएएस है, आईपीएस है, बड़े बड़े डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है. तो आप खुद को कमजोर मत समझो. बस ये भाऊ का एक प्यार भरा मैसेज है आपके लिए, और आपको भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप ऐसे आगे बढ़ो, मेरे लाइक कुछ रहेगा तो पक्का मैं खड़ा होगा आपके साथ. धन्यवाद. सो नाइस. सच में लड़कियां कमजोर नहीं है. पता नहीं क्यों सोचते हैं भाऊ, क्योंकि हम औरतें ही हैं जो औरत और मर्द दोनों को पैदा करके इस दुनिया में लाते हैं, और उसके बाद भी क्यों हम सोचते हैं कि हम की थी. तीन चार लड़के लोग हैं, बहुत तकलीफ देता है. बोला पुलिस स्टेशन जा. हालांकि वो बोलते कि मेरे पिताजी पॉलिटिशियन है. बोलो फिर पॉलिटिशियन है तो आपको क्या टेंशन है? बोलते नहीं बदनाम हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होगा. आप पहले तो आपके माँ बाप को बताओ, क्योंकि आप जब अपने माँ बाप से छुपाते हो ना, वो सबसे बड़ी गलती होती है, छुपाने का नहीं. बोलते भाऊ क्या करो? मैं बोला सीधा बात, आप माँ बाप को. बोलते नहीं बताएगी. बोला ठीक है, तो आप एक काम करो, पुलिस स्टेशन जाओ. बोलते मैं गई थी, मेरा नहीं लिया कंप्लीट. बोला अभी जाने का वहाँ पे, हाँ मेरा नंबर लिया, अभी जाने का वहाँ पे, और वहाँ पे कोई भी ऑफिसर रहेगा उसको मेरा फोन देने का. और मेरा कैसे मालूम है, मैं वीडियो बनाता है फिर कि ऐसा ऐसा पुलिस स्टेशन पे मैं आ रहा हूँ पहुँचने का. तो वहाँ पे मिनिमम गिरी सी गिरा मैं 4-5 हज़ार तो मेरे फैंस लोग पहुँच जाते हैं. हाँ, और उनको जगमरा के ना फिर वो करना ही पड़ता है. तो वो टाइम भी ऐसे हुआ था कि मैं गया, मैसेज डाला, वहां पे इतने लोग पहुंच गए, घसीटे मारते हुए लाके लाया था उन लोगों को पुलिस स्टेशन. तो एक इतना करता हूं मैं कि ऐसा कभी रहेगा ना तो जरूर याद करना है मेरे को. मैं भी समझू कि कौन सा ऐसा पुलिस स्टेशन है जो कंप्लेंट नहीं देता लड़कियों का. हाँ, हालांकि क्या होता है, सारे अच्छे होते हैं, कुछ कुछ होते हैं ना जिसकी वजह से बदनामी होता है. क्योंकि वो बड़े बाप का बेटा रहता है, उधर से फोन आता है, समझा, कंप्लेंट नहीं लेने का. तो वैसा कभी नहीं सोचना, आप खड़ा है वहाँ आपके लिए, कभी भी याद करना आप लोग. हाँ, थैंक यू. फीचर फिल्म जो मेरी पहली फिल्म है जिसको मैंने एडिट किया है, इससे पहले मैंने कभी कोई फिल्म एडिट नहीं किया था, तो मैंने ये फिल्म एडिट किया. ये फिल्म बहुत अच्छी है और कभी ऐसी फिल्म आई नहीं, तो ये बहुत यूनिक है और बहुत हटके है स्टोरीज की. तो आप लोग भी प्लीज इसको देखिए. और ये एक सोशल मैसेज है जो उन सारी लड़कियों के लिए है जो जिनके साथ ऐसे एसिड अटैक्स होते हैं. लेकिन इस फिल्म में कुछ अलग स्टोरी है. इसमें लड़कियों पे एसिड अटैक नहीं हुए, लड़की ने किसी लड़के पे एसिड अटैक किया है. तो ऐसे फिल्म आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने कभी देखा होगा. फोन तो आप लोग भी देखे फिल्म. और तो ये बहुत बड़ा मैसेज जो आज लोगों तक ये पहुंचा रहे ये पिक्चर के माध्यम से, ये बहुत बड़ी बात है. बहुत मुश्किल से ऐसा कुछ होता है कभी जो ये ऐसे फिल्म बनते हैं. तो ये हमारे महमूद भाई और राहुल जी, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे ही लोगों तक ऐसे मैसेज पहुँचना चाहिए. ऐसे और भी ऐसी फिल्म बनाइए जिसके वजह से लोगों तक ये मैसेज जाए. और बहुत
ऐसी चीज़ें अभी हो भी रही है जो जो लोगों तक नहीं पहुंच रही है, कुछ कुछ चीज़ें छुप जाती है। तो ऐसे वो डायरेक्टर, ऐसे वो प्रोड्यूसर, वो ऐसे लोग रहते हैं जिनके वजह से ये ऐसा एक जरिया रहता है, ऐसा प्लेटफॉर्म रहता है जिसके वजह से ये लोगों तक पहुँच पाता है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे ही आप आगे बढ़िए, मेरा शुभकामना है आपके लिए। भाव के अंदाज में एसिड अटैक वालों को कोई संदेश आज के दिन? भाव का मेरे से अगर मेरे जबान से बोलेगा तो मैं उनको ये बोलेगा कि पहली फुर्सत में निकल, अगर ये वापस ऐसा हुआ तो आज की जो लड़कियां ना वो पहले जैसा नहीं रहा, अभी ये नया जनरेशन है, ये एसिड खुद के ऊपर नहीं है तुम्हारे ऊपर मारेगी, ये आपकी अभी की लड़कियां वैसी है। तो ये गलत फहमियां दूर करो और पहली फुर्सत में सुधर जाओ। और भाव भी कभी नजर आने वाले पर्दे पर? भाव का नहीं, मेरे को कौन लेगा, ना मैं हीरो के लायक हूँ ना विलन के लायक हूँ, मेरे को कौन लेगा। और फैंस लोग ने अगर चाहा तो देखते आगे, अभी तक वैसे वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाव हमारे जो टॉकर हाउस के होस्ट कर रहे हैं और हमारा एग्रीमेंट कुछ वजहों से रुका हुआ था जो अभी जाके हम लोग कर रहे हैं। तो भाव अभी नेक्स्ट आपको टॉकर हाउस के सीजन में एज होस्ट नजर आएंगे और बहुत बैंड बजाने वाले लोगों की। और फिल्म के बारे में बताएं और कहां कब रिलीज हो रही है और हाँ जी, क्योंकि हमने जैसे कहा कि ऑनलाइन मूवी थिएटर है और इसके साथ में हमने 100 सिनेमाज ओनली, क्योंकि एक फिल्म इंटीरियर की फिल्म है तो हम टारगेट इंटीरियर कर रहे हैं और एक्सटीरियर के लिए हम लोग रखे हुए हैं कि जितने से ज्यादा लोग ओएमटी के माध्यम से फिल्म देखेंगे। मैं वो मेरे फैंस सब जानते हैं कि भाऊ पहला कुछ भी नहीं करता है, भाऊ एक ही बार बॉम्ब फोड़ता है। हाँ, ये खासियत है थोड़ी भाऊ में, इसके लिए हिंदुस्तान की जनता मेरे से प्यार करती है कि मैं अचानक में बॉम्ब फोड़ता हूँ, मैं वो बोल बच्चन देता नहीं मैं, पर 10 दिन में बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ने वाला हूँ। जो अभी 1.5 महीना हो गया बिग बॉस से मैं आया हूँ तो मेरे सारे फैंस, लाखों फैंस मेरे को मैसेज करते कि भाऊ वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो अभी वीडियो बस हो गया, अभी सीधी बात नो बकवास, अभी एक्शन का टाइम है। तो ये 10 दिन में पता चलेगा आप सबको। मेरे को अभी सच बात बोलने गया तो मेरे को चार फिल्म आया है मेरे को, मगर क्या होता है मालूम है कि कुछ ऐसे रहते हैं वो रूल्स रेगुलेशन ये वो सब, तो अभी मैं नहीं बता पाएगा तो आपको खुद पता चलेगा। तो अगर करोगे तो किस तरह की फिल्म है? कुछ तो सोचा होगा ना कि भाई इस तरह का कुछ मेरे को अभी संजू बाबा ने भी बोला कि मेरे साथ काम करना है तेरे को अभी। वाव, 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 हाँ, वाव, वाव, बोला है मेरे को काम करना है और ज्यादा करके अभी मेरे को फिल्म जो आ रही है ना विलन की आ रही है तो देखता हूँ अभी मैं, आपको पता चलेगा बहुत जल्दी आएगा। काफी इंतजार रहा होगा और एक्साइटेड है इस ट्रेलर लॉन्च का और म्यूजिक लॉन्च के क्या कुछ? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए आज जो देखा और सबको बहुत अच्छा भी लग रहा है। एक्चुअली ये फिल्म काफ़ी मेरे दिल के काफ़ी करीब है क्योंकि ये फिल्म की जो स्टोरी है एक सच्ची घटना पर आधारित है और आजकल तो बहुत सारी 2-3 फिल्में भी आई है एसिड अटैक के ऊपर, दीपिका की भी फिल्म आई है एसिड अटैक के ऊपर, बट हम लोगों की जो फिल्म है थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी हटके है क्योंकि एसिड अटैक हमेशा लड़कियों पर ही होता है, हमेशा लड़की ही विक्टिम होती है एसिड अटैक की, बट इस फिल्म में एक लड़का है एसिड अटैक की विक्टिम। ऐसे जैसे कि लोगों को लगता है कि लड़कियां हमेशा विक्टिम ही रहती है, बट यहाँ पे एक ऐसी भी रिवेंज की भी एक स्टोरी है। ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ मैं क्योंकि ये फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर है, बट मेरा जो रोल है एक शी इज़ अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, एक ऐसी लड़की जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हरियाणा पंजाब कई ऐसे हमारे हिंदुस्तान में कुछ ऐसे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लड़कियों को कुछ बोलने का अधिकार नहीं मिलता, पहले तो माता पिता
चुपचाप हर एक जुर्म जुर्म सहती जाती है। तो इस फिल्म में मेरा ऐसा ही एक किरदार है, एक ऐसी एक बहू का किरदार है जो हर तरीके की अत्याचार सहती जाती है, लेकिन फिर भी एट द एंड मैं कहूँगी कि लड़कियाँ कमजोर नहीं है। ये ऐसी जगह का आगे मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जितना हो सके आप पॉजिटिविटी फैलाओ, नेगेटिविटी नहीं, बिकॉज जब नेगेटिविटी फैलती ना तो लोग गुस्से में कुछ ना कुछ करते हैं और मैं उनको एसिड बंद हो जाना चाहिए, एसिड बंद हो जाना चाहिए। और मेन आजकल एसिड होता है जो लवर्स होते हैं आजकल, अगर उनकी लड़कियाँ उनको छोड़ देती है तो उन पर डाल देते हैं एसिड, तो ये सब नहीं होना चाहिए। बस इतना हो सके, जितना हो सके पॉजिटिविटी फैलाओ आप लोगों में, जैसे जो मेरे फैंस हैं उनको सिर्फ पॉजिटिविटी रहना सिखाता हूँ, पॉजिटिव रहो। आप अगर पॉजिटिव रहोगे तो आपका सराउंडिंग पूरा पॉजिटिव रहेगा। आप अगर नेगेटिव होते हो, गुस्सा आते हो, तो गुस्से में आप कुछ भी कर देते हो, किसी की ज़िंदगी भी ख़राब कर देते हो, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और अच्छा है, और मैं चीज़ बोलूँगा कि महमूद भाई की तरफ से, कौन सिनेमा की तरफ से, उनकी मूवी में भी आने वाला हूँ, और मैंने फिलहाल अभी राज में भी किया, और ऐसे के प्रोजेक्ट आते हैं बस एसिड अटैक या रेप केस, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। थैंक यू। सॉन्ग तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि टीजर में आएगा, एक्चुअली ट्रेलर नहीं है, टीजर है, मैंने अभी कहा, क्योंकि टीज कर रहा है ऑडियंस को, ये जानने के लिए मजबूर कर रहा है, सोचने में मजबूर कर रहा है कि ये क्या कहना चाहती है फिल्म। तो चूँकि एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि 28 फरवरी को जब आप लोग देखेंगे फिल्म को, तो तब तक आप टीज़र को, टीज़र ट्रेलर जो भी आप कह लें, उसको आप बार बार दोहरा के रिपीट पे देखना चाहेंगे कि कहीं से कुछ समझ में आ जाए कि क्या कहना चाह रही है, क्या मैसेज है फिल्म का। सो बहुत बहुत बधाई राहुल जी को एक और बार, इंद्राणी जी भी यहाँ पे हैं जिन्होंने फीमेल लीड का किरदार निभाया। सो और सॉन्ग मेरा जो है बहुत एक सिचुएशनल सॉन्ग है, मस्ती के प्याले पीता हूँ, और ये कहर जवानी मेरी, ये कहर जवानी मेरी। देखिए भाई साहब यहाँ पे हैं, क्योंकि इनकी जो है बहन जी ने, भाषणा गुप्ता जी ने जो है ये गाने के लिरिक्स लिखे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो राहुल जी, सॉरी राजीव दा और मोना दा जो हैं, उन्होंने म्यूज़िक किया, और बहुत मज़ा आएगा आपको गाना सुन के, सिचुएशनल गाना है, जैसे आगे आप लिरिक्स को सुन के समझ गए होंगे कि कैसा है। तो राहुल जी आप क्या कहना चाहोगे, कैसे जहन में आया इस तरीके का सब्जेक्ट? जैसे कि मैंने बताया कि मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ बाय प्रोफेशन, और अभी 4-5 साल से फिल्म डायरेक्शन और प्रोडक्शन में आया हूँ, अपनी कंपनी बनाई है। तो मेरा उद्देश्य यही था कि जैसे मैंने काफ़ी सारी शॉर्ट फिल्म बनाई सामाजिक मुद्दों को लेकर के, ये भी एक सामाजिक मुद्दे को दिखाती है फिल्म, जो कि एसिड अटैक महिलाओं पर होते हैं। तो इसमें हमने दिखाया, जो कि मेरा एक केस डायरी में से लिया गया केस था, जो कभी पुलिस रिपोर्ट नहीं हुआ है, और मैंने इन्वेस्टिगेट किया, और मेरे जहन में था कि मैं इसके लिए कुछ लिखूं और इसके ऊपर बनाऊं कुछ, तो हमने इसके ऊपर फीचर फिल्म बनाई, और ये बिल्कुल अलग स्टोरी है, जिसमें कि एक लड़के के ऊपर एसिड अटैक होता है, जबकि जनरली हम कहते हैं कि लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक होता है। और लड़कों के ऊपर क्यों हुआ, लड़के पे, तो ये बहुत खास जो है वो है, ये फिल्म का एक सस्पेंस है, और किसने किया ये बहुत एक अच्छा सस्पेंस है, और आपको बहुत मतलब अच्छा लगेगा ये जान के कि किसने उसको सजा दी, उसने जो भी ऐसे कुछ कर्म किए, गलत काम किए, तो उसको सजा मिली। तो इस तरीके की स्टोरी। सर फीमेल लीड यहाँ पे खुद मौजूद है आप, तो ये हाँ जी, कास्टिंग की अगर बात करें तो क्या कुछ स्पेशल रहा और क्या कैसे चयन हुआ इंद्राणी जी का? जैसे कि इन्होंने जो रोल निभाया है, एक डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम का रोल इन्होंने निभाया है घर पे जो होता है, तो हमने इनका स्क्रीन टेस्ट किया, ऑडिशन किया, तब जाके हमें लगा कि एक महिला के लुक में ये बहुत अच्छी लगेंगी, तो उस तरीके से हमने इनका चयन किया। एज ए डायरेक्टर कितनी आशाएं अपेक्षाएं हैं इस फिल्म से? और मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि हर बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं पिक्चर को लेके जाऊँ। कांस में भी हम इसको भेज रहे हैं फिल्म को, और दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऑलरेडी भेज चुके हैं, जयपुर फिल्म फेस्टिवल में भेज चुके हैं हम, और न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अभी भेजने की तैयारी है, और कांस में भी तैयारी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मैसेज स्प्रेड कर पाएँ, और आप मीडिया के दोस्तों से भी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारा साथ देंगे, और जो हम इस फिल्म में मैसेज देना चाहते हैं तो वो आप हमारी मदद करेंगे उसमें। आप कुछ अपील करना चाहेंगे दर्शकों से, कब लग रही है थिएटर में और
हम कोशिश कर रहे हैं कि 28th February को इसको रिलीज़ कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, और OMT जो डॉन सिनेमा है उस पर भी हम रिलीज़ कर रहे हैं। तो अब आप नज़दीकी सिनेमाघर में जाइए और ये फिल्म देखिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। तो वहां से राहुल भाई ने कैसे स्ट्रगल किया? बहुत मेहनत बहुत कुछ सीखा है और अच्छी मुझे लगा। पहले जब मैं आई थी स्टार्टिंग में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ प्रोडक्शन हाउस में, वन ईयर हुए रुक जब उन्होंने स्टोरी वगैरह तो उनको स्टोरी बहुत अच्छी लगी। पहले तो स्टोरी मैंने देखी थी बहुत अच्छी लगी, उसको मैंने काटा वाटा और एडिट किया तो काफ़ी बहुत मेहनत थी और काफ़ी अच्छा। काटा वाटा कुछ बचा हुआ है? हाँ बहुत कुछ बचा भाभी है, बहुत कुछ है देखने के। ओके, लोगों का रिएक्शन कैसा रहा? लोग जो निकल के थिएटर से जा रहे हैं ट्रेलर देख के, कैसा रिएक्शन? लोगों के चेहरे पे मुस्कान है कि गायब हो चुकी? नहीं नहीं, सब लोगों का अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन आया, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू आने के लिए हमारे यहाँ पे, जो आज फिल्म रिलीज हुई है एन एसिड अटैक की, उसमें साथ देने के लिए मुझे तो बहुत खुशी हुई। जैसे मैंने होस्ट करते समय बताया कि ये एक अनोखी कहानी है, हम एक पहलू देखते हैं एसिड अटैक के, ये दूसरा एक पहलू है जो देखना बहुत ज़रूरी है। लोगों के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन मिले मुझे एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। Please do come and watch on 28 February 2020. It is coming on theaters next to you. और जितना हो सके स्प्रेड कीजिए। I really from my bottom of my heart, मैं सबको specially Golden Gate Productions और Dawn Cinema को मैं thank you करना चाहूँगी और good luck बोलना चाहूँगी कि ये फिल्म लाने के लिए, सबके सामने दिखाने के लिए। Thank you.